बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मैं उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू की जमात में नए हरफ डाल के बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। तदरीसी मकासद, इस सबक के अहतमाम पर बच्चे हरफ डाल की पहचान और ज़हीर अल्फाज की पहचान कर सकेंगे और लिखाई की मशक कर सकेंगे। आज हम उर्दू हरूफ तहजी के एक नए ख़ानदान से मिलेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा ख़ानदान है। अरे ये तो दाल है। दाल के ख़ानदान में तीन हरूफ होते हैं, द दाल, द दाल और ज़ाल। ये तीनों हरूफ बिल्कुल एक ही तरह से लिखते हैं, इनमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। दाल बेचारा खाली है, दाल के ऊपर बेबी तोए हैं और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता है। चलें अब हम इनको लिखने की मशक करते हैं। दाल को लिखना बहुत ही आसान है, बस हम पेंसिल को नुक्ते पे रख के नीचे आएंगे और इसको गोल गोलाई में घुमाते हुए नीचे लाके लाइन के ऊपर टच कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा दाल। वेरी गुड। और दाल लिखने के लिए दाल के ऊपर बेबी तोए आ जाएगा और दाल लिखने के लिए दाल के ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। ये हैं दाल के खानदान के तीनों हरूफ। आइए अब हम इन हरूफ की से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानी देखते हैं। ये तो डॉक्टर दाल का क्लिनिक है। यहाँ पे तो एक डाकिया खतों के डब्बे लेकर आ गया है और यहाँ पे तो एक ड्रम भी रखा हुआ है। और बच्चों आपको ढोल बजने की आवाज आ रही है? यहाँ पे तो एक ढोल वाला ढोल बजाते हुए आ गया है। प्यारे बच्चों, आज हम हरफ दाल लिखेंगे। ये है हमारा हरफ दाल और इसके ऊपर है छोटी सी तोए। ये है हरफ दाल। कैसे लिखेंगे? नुक्ता आगाज से पीछे की तरफ मुड़ेंगे, गोल घुमा के लकीर के ऊपर बिठाएंगे और इसके ऊपर छोटी सी तोए बनाएंगे। ये क्या है? हरफ दाल। नुक्ता आगाज की से पीछे की तरफ मुड़ेंगे, गोल घुमाकर लकीर के ऊपर बिठाएंगे और एक छोटी सी तोए बनाएंगे। नुक्ता आगाज से पीछे की तरफ मुड़ेंगे, गोल घुमाकर लकीर के ऊपर बिठाएंगे और इसके ऊपर छोटी सी तोए बनाएंगे। ये कौन सा हरफ है? डाल। घर का काम, सफ़ा नंबर 84 और 85। तस्वीर में रंग भरिए और सफ़ा नंबर 86 हरफ डाल की लिखाई वर्कबुक पर। प्यारे बच्चों, आपने इन सफ़ात पे बहुत अच्छा सा काम करना है। अपलोडिंग की हदायत, मुख्तरम वालदैन बच्चे का काम मुकम्मल होने के बाद इसकी तस्वीर या छोटी सी वीडियो बनाकर गूगल क्लासरूम में अपलोड करें। शुक्रिया।